हेलो फ्रेंड्स, सौरभ इलेक्ट्रिशियन में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में थ्री स्विच थ्री सॉकेट का कनेक्शन करना सीखेंगे, सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये देख सकते हैं बोर्ड में स्क्रू लगे हुए हैं। सबसे पहले हम इन्हें टेस्टर की मदद से निकाल लेंगे। ये रहा हमारा टेस्टर। हमारा बोर्ड खोल चुका है। अब हमें कुछ टुकड़े वायर कट कर लेने हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले से ही कुछ टुकड़े वायर कट कर लिए हैं। रेड वायर फेज के लिए यूज करेंगे और ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए। ये देख सकते हैं, ये हमारा ब्लैक वायर। सॉकेट को स्विच से कंट्रोल करने के लिए हमेशा हमें सॉकेट के राइट साइड वाले में वायर को कनेक्ट करना है और वहां से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, तीनों में सेम वही कनेक्शन करेंगे हम, जिसमें एल लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, सॉकेट में राइट साइड वाले में एल लिखा हुआ है और लेफ्ट वाले में एन। हमेशा सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हमें एल में कनेक्ट करके वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना होगा। इससे हमारा सॉकेट जो है स्विच से कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन करके देखते हैं। एक रेड वायर लेना है, उसे सॉकेट के राइट साइड वाले में लगाना है जिसमें एल लिखा हो। उसके बाद स्क्रू को फुल टाइट कसिएगा। उसके बाद स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में उसी वायर को लगाना है। हमारा कनेक्शन हो गया। बाकी दोनों स्विच सॉकेट में भी सेम इसी तरह कनेक्शन करेंगे। स्विच सॉकेट के राइट साइड वाले से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में। देख सकते हैं दोस्तों, स्विच टू सॉकेट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है तीनों में। अब हमें न्यूट्रल की वायरिंग करनी है। सॉकेट के लेफ्ट साइड में जो टर्मिनल खाली बचा है, ये देख सकते हैं, इसमें हमें ब्लैक वायर से वायरिंग करेंगे न्यूट्रल के लिए तीनों में। ये रहा हमारा ब्लैक वायर, इसे हम सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाएंगे जिसमें एन लिखा होगा, एन फॉर न्यूट्रल। और इसके साथ और एक ज्वाइंट करेंगे वायर और इसे दूसरे सॉकेट के लेफ्ट साइड वाले टर्मिनल में लगाएंगे। और फिर इससे ज्वाइंट करके एक तीसरे वाले सॉकेट में लगाएंगे। आप इस सॉकेट के तीनों में से कहीं से आप मेन न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे इस साइड वाले में। ये रहा हमारा मेन न्यूट्रल वायर। ये देखिए, ये हमारा मेन न्यूट्रल वायर है, इसे हम इस सॉकेट में लगा रहे हैं। आप इस तीनों सॉकेट में कहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इसके बाद हमें फेज की वायर की कनेक्शन करना है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में तीनों में। पहले कर लेते हैं इसकी वायरिंग।
और याद रखिए स्क्रू हमेशा टाइट कसिएगा जितना हो सके, क्योंकि लूज होने से स्पार्क वगैरह होता है, इससे स्विच आपका ख़राब हो जाएगा। अब और एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इस वायर के साथ ज्वाइंट करेंगे और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लगाएंगे। ये देखिए सेकेंड वाला स्विच में नीचे वाले टर्मिनल में लगा रहे हैं। अब फेज की वायरिंग स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में तीनों स्विच में से किसी में आप इन कर सकते हैं। हम तीसरे वाले स्विच में इन करेंगे। इसके साथ ज्वाइंट करके ये रहा हमारा तीसरा वाला स्विच, इसके नीचे वाले टर्मिनल में इन करेंगे फेज। ये रहा हमारा फेज की वायर, इसे हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लगाएंगे। हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये रेड वायर हमारी फेज की है और ये ब्लैक वायर हमारा मैन न्यूट्रल है। इसे हम लाइव अभी चेक करके दिखाएंगे कि ये बोर्ड हमारी वायरिंग सही हुई है या नहीं। तो हम इसे पहले सेट कर लेते हैं बॉक्स में जल्दी से। हमारा बोर्ड लग चुका है, अब इसे हम चेक करके देखते हैं। अब इसमें हम पहले मेन सप्लाई देंगे, पहले इन्हें हम छील लेते हैं प्लास की मदद से। अब हमारा इस बोर्ड में मेन सप्लाई आ गया है। अब एक होल्डर बल्ब की मदद से आपको दिखलाएंगे कि इसमें लाइन आया है या नहीं। ये रहा हमारा होल्डर बल्ब, इसको हम सॉकेट में लगाएंगे और इसे ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ग्लो हो रहा है हमारा बल्ब और ये देखिए स्विच से कंट्रोल हो रहा है, इसका मतलब हमारा वायरिंग सही है। अब दूसरे वाले सॉकेट में देखते हैं, इसमें भी सही काम कर रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। इसमें भी सही से काम कर रहा है, इसका मतलब इसका भी कनेक्शन सही है। ये देख सकते हैं थोड़ी हिल जा रही है वायर, इसके वजह से ऐसे हो रहा है। अब हम टेस्टर की मदद से आपको सॉकेट में दिखलाएंगे कि फेज किस ओर आ रही है। ये देखिए देखते हैं हम सॉकेट में फेज किस ओर आ रही है, लेफ्ट या राइट में। अगर राइट में आ रही होगी तो समझ जाइए सही है हमारे कनेक्शन। ये देखिए हल्की हल्की ग्लो हो रही है,
बल्ब जल रहा है इसीलिए चलते नहीं दिख रहा है। बल्ब बंद करते हैं फिर आपको दिखलाते हैं। ये हमारा बल्ब बंद हो गया, ये देखिए टेस्टर में लाइट ग्लो हो रहा है राइट साइड में। ये देखिए कंट्रोल भी है फेज, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही है। ये देखिए ये न्यूट्रल साइड है, इसमें ग्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हमारा न्यूट्रल सही है। इस सॉकेट में भी देख लीजिए, इसमें भी सही है। तीसरे वाले सॉकेट में भी देखिए, इसका भी कनेक्शन सही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।